फिर उनमें से आप जो है वो गैस कर सकते हो, तो इससे आपके आंसर राइट आने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा जो है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप MBA CET एग्जामिनेशन में तुक्के मार के अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही में गाइस इस वीडियो में आपको कुछ स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे जो भी आंसर्स आप गैस करोगे उनके राइट होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। साथ ही मैं आपको कोई भी जो फालतू चीज़ है वो नहीं बताऊंगा, जैसे सी टिक करके आओ या फिर पूरे ए टिक करके आओ। हम कुछ अच्छी मेथड्स देखेंगे जिससे आपके आंसर आने के चांसेस जो है वो और बढ़ जाएंगे। साथ ही में गाइज मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, एंड ये भी हम देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है ताकि आपको अच्छे से अच्छा जो कॉलेज है वो मिल पाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। तो देखो गाइज MBA CET एक ऐसी एग्जामिनेशन है जहाँ पे कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है। तो अगर आपको गैस वगैरह करना है या फिर तुक्के मारना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे मार सकते हो, आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल नेगेटिव में नहीं जाएगा। यही अगर नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम होती तो वहाँ पे तुक्के मारना जो है वो सही नहीं रहता, बिकॉज स्कोर जो है वो और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हो आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज ही होगा। इसके अलावा इस पेपर का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा टफ रहता है, बिकॉज टाइम कम रहता है, 150 मिनट से टाइम रहता है, एंड नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहता है, एक मिनट से भी कम टाइम आपको जो है वो मिलेगा अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो। बट देखो गाइस यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटजी बना के जाओगे तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ये मत सोचो कि 200 क्वेश्चन हमें पूरे जो है वो सॉल्व करना है, आप ये सोचो कि 80, 70 या फिर 90, 100 क्वेश्चंस के आसपास आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो निकलना है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप जो है वो फ्लूक्स या फिर एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा के जो है वो निकाल सकते हो, बिकॉज 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पूरा आंसर निकाल के वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप 100 या फिर 90 क्वेश्चन भी सही निकाल देते हो 100 मिनट्स के अंदर अंदर तो आपका पूरा जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा, एंड बचे हुए 50 मिनट्स में अगर आप फ्लूक्स भी मारते हो तो भी आपको ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कैसी है। सपोज अगर आपका पेपर जो है वो सेक्शन वाइज आता है तो आप ये देखो कि एक सेक्शन को आपको मैक्सिमम कितना जो टाइम है वो देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर सपोज वो सेक्शन उतने टाइम में नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो है वो चले जाओ। अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन है तो उनको छोड़ दो, या फिर बहुत ही ईजी है तो जल्दी जल्दी निकालो, ट्राई करो कि टाइम बचाओ, ठीक है। तो जितना टाइम बचाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, एंड कहीं पर आप जो है वो थोड़ा टाइम भी दे सकते हो ताकि आपके राइट आंसर निकले, ठीक है। तो मेनली फोकस आपको ये करना है कि आपके आंसर ज़्यादा से ज़्यादा राइट है, एंड फिर जितना बचा हुआ टाइम है उसमें आप गैस भी करोगे तब भी आपका जो स्कोर है वो और भी जो है वो इंक्रीज होगा। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मॉक टेस्ट होगी उतनी आपकी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं गाइज हमारे तुक्के मारने की ओर कि कैसे हम तुक्के मार सकते हैं एंड हमारा जो स्कोर है वो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप एक फार्मूला बुक या फिर शॉर्टकट बुक जो है वो बना सकते हो, जिसमें गाइज जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो या फिर जो भी शॉर्टकट्स आप सीख रहे हो वो सब कुछ मैंशनड हो, जो कि आप पेपर के एक दो दिन पूरा मतलब रिवाइज़ कर रहे हो एंड पेपर के दिन भी रिवाइज़ करो, ताकि अगर उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट उस आंसर को जो है वो टिक कर सको। बिकॉज ऐसे अगर आपको 10-12 आंसर्स भी मिल जाते हैं तो उससे आपका ओवरऑल जो टाइम है वो भी बचेगा एंड आपका जो स्कोर है वो भी इंक्रीज होगा। तो फार्मूला बुक या फिर जो भी आप शॉर्टकट सीख रहे हो उसकी एक बुक बना दो, बिकॉज हम पढ़ तो लेते हैं बट फिर कन्फ्यूज़ होता है कि कौन सा शॉर्टकट कहाँ पर जो है वो लगा लेना, तो ये आप कर सकते हो, इससे आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते गए हमारी ट्रिक्स की ओर। तो सबसे पहली एंड सबसे मतलब फेमस ट्रिक यही है कि अगर सपोज आपको ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबो एंड नन ऑफ द अबो ये सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन में गाइज जो ऑल ऑफ द अबो वाला ऑप्शन है इसके राइट होने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम रहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ऑल ऑफ द अबो या फिर नन ऑफ द ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन है, तो अगर ऑल ऑफ द अबो वहाँ पर है तो ये जो ऑप्शन है वो राइट होने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं, तो इसे आप जो है वो टिक करके जो है वो आ सकते हो, इसकी राइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट ट्रिक है गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, एलिमिनेशन। अब देखो गाइस जो MBA CET का पेपर है इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो 4 नहीं रहते बल्कि 5 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका क्वेश्चन एंड यहाँ पे 5 सब ऑप्शंस रहेंगे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो आपके आंसर्स राइट निकल सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप आंसर सॉल्व करोगे मीन्स क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने जाओगे तो कुछ ऐसे जो ऑप्शन है गाइस वो रहते ही रहते हैं जिनका जो मतलब आंसर से लेना देना जो है वो बहुत कम रहता है, तो ऐसे ऑप्शंस को आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज करते कि एक क्वेश्चन है जिसमें सी एंड ई
आंसर रहने के जो है वो चांसेस ही नहीं रहेंगे। जो ऑप्शंस अगर आपको पहले से ऐसे समझ में आते हैं तो फिर आपको तीन ऑप्शंस में से ही कोई एक जो है वो टिक करना पड़ेगा, एंड इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना जो है वो आपके लिए थोड़ा ईजी जो है वो हो सकता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड का जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे आंसर लग रहे हैं जिनके होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, एंड जो आपको मेन मेन ऑप्शन लगते हैं फिर उनमें से आप जो है वो गैस कर सकते हो। तो इससे आपके आंसर राइट आने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है गाइस हमारी यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये भी मेथड बहुत अच्छी है। अब इस मेथड में होता क्या है कि ऑप्शंस में हमें कुछ वैल्यूज़ ऐसे देखने को मिलती है जो रहने के बिल्कुल भी जो चांसेस है वो नहीं रहते। जैसे ये एक सपोज़ करते कि ऑप्शन है तो इसमें 20 है, 10 है, 30 है, 150 एंड 40 है। अब ये 150 वाली जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो 100 के अंदर अंदर ही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में गाइस जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है उनके आंसर रहने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं, एंड जैसे गाइस आप इसको एलिमिनेट करोगे तो फिर आपको चार में से जो आंसर है वो निकालना पड़ेगा। तो इसमें से गाइज आपकी जो आंसर राइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी आप जो है वो कर सकते हो। आप देख सकते हो कौन सी एक्सट्रीम वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज हमेशा आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा है, जो आंसर रहने के चांसेस है वो बहुत ही कम रहते हैं। तो ऐसे में गाइज आपकी आंसर राइट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप MBA CET एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ये मिनी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें गाइज हमने आपके लिए तीन फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो है, ताकि आपको ओवरऑल जो इंटरफेस है एग्जामिनेशन का वो समझ में आए, एंड आप एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस है वो कर पाओ। एंड इस एग्जामिनेशन का आप जो इंटरफेस है वो भी आप देख सकते हो, पूरा एक्चुअल पेपर जैसे रहता है वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे आपको मिलेगा। सारी इंस्ट्रक्शंस पहले यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगी, एंड पेपर भी गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा आपका एक्चुअल पेपर रहेगा सेम पेपर आपको इस मॉक टेस्ट में जो है वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप तुक्के मारने की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, या फिर आपको सीरियसली प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। एंड जैसे यहाँ पे आपको टिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन जो कि आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं सेम ही ऑप्शन गाइज आपको इस टेस्ट सीरीज में जो है वो मिलने वाले हैं। तो 20 मॉक टेस्ट की एक पूरी टेस्ट सीरीज है। अगर आपको डिटेल में प्रैक्टिस करना है तो 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आप जो है वो ले सकते हो। अगर आपको इतने मॉक टेस्ट नहीं चाहिए तो आप ये 3 मॉक टेस्ट वाली सीरीज जो है वो ले सकते हो, जो कि आपको एकदम इफेक्टिव प्राइस पॉइंट पे जो है वो मिल जाएगी। एंड जैसे गाइज आप पेपर सबमिट करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको पेपर का पूरा जो रिजल्ट है वो भी मिलेगा, एंड आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके जो है वो राइट थे, कौन से रॉन्ग थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो रिपोर्ट कार्ड में जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है तो आप ये 3 मॉक टेस्ट वाला जो पैक है वो ले सकते हो। ये आपको बस 100 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर बस आपको इंटरफेस जानना है कि कैसे, एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है, तो 3 मॉक टेस्ट वाला ये पैक आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 100 रुपीज़ में आप अपनी जो मॉक टेस्ट से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो बढ़ते गाइज अब हमारे नेक्स्ट टिप के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रिक है गाइज हमारी, ये सिमिलर वैल्यूज़ की। ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस ट्रिक है, एंड ये आपको ज़रूर पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो गाइज, सपोज ऑप्शन आपके कुछ ऐसे है तो इस टाइप में क्या होता है गाइज कि जो सिमिलर टाइप के ऑप्शन है उनके राइट होने के जो चांसेस है वो रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे -30 है एंड +30 है, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक जो आंसर है वो रहे। इसके अलावा कुछ कंक्लूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ऐसे सारे स्टेटमेंट दिए रहते हैं एंड बताया जाता है कि इनका जो है इन्हें रीअरेंज करो या फिर कुछ मैच करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो इनमें से भी गाइस जो सिमिलर ऑप्शंस है उनके राइट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ABD ये कॉमन है, यहाँ पे भी ये कॉमन है, एंड बस डिफरेंस यहाँ पे ई एंड सी में, एंड यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है सी एंड ई में, ठीक है। तो इनमें से कोई एक जो है वो आंसर रहने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी ट्रिक जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बट जब आपके पास कम टाइम रहेगा तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपके जरूर काम आएगी, एक्सट्रीम वैल्यूज वाली भी जरूर काम आएगी, एंड ये सिमिलर वैल्यूज वाली जो मेथड है वो जरूर काम आएगी। बस आप ध्यान से अपने जो ऑप्शन है वो देखना, जरूर आपको ये सारी जो चीज है वो काम आएगी। एंड इसके अलावा सपोज ये कुछ भी आपको जो है वो काम में नहीं आ रहा, एंड समझ में नहीं आ रहा कि आंसर क्या है, तो फिर जय माता दी बोल के जो आपको टिक करना है कर देना, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही छोड़ के मत आना, उससे आपके जो मार्क्स है वो कम ही होंगे। एंड सपोज अगर 50 भी आप जो है वो गैस करते हो, 60 क्वेश्चंस आप जो है वो गैस करते हो, अगर हम यहाँ पे 30% 40% प्रोबेबिलिटी लगते हैं अगर आप बहुत लकी हो, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स 30 या फिर 25 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, या फिर 20 मार्क्स भी मिल गए अगर आपने 50 गैस किए, तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। सपोज़ अगर आपने 80 या फिर 90 राइट आंसर्स किए एंड बाकी सारे 100 या फिर 110
फ्लूक्स मारे या फिर गैस किए, उनमें से अगर आपके 40 भी राइट हो जाते हैं तो आपका स्कोर 120-130 के अबू जो है वो जा सकता है। तो ओवरऑल ये जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूक्स एंड तुक्के मारना भी MBA CET के पेपर में। इसके अलावा गाइस कुछ सिचुएशंस भी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गैस करना, ठीक है। तो सिचुएशन वन है जिसमें मैंने ये गैस किया है कि स्टूडेंट जो है वो 50% पेपर अपना जो है वो सही से सॉल्व करेगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग में 75 क्वेश्चंस होते हैं तो आप 38 क्वेश्चंस सॉल्व कर दोगे, राइट आंसर्स बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है जिसमें से 25 में से अगर आप 12 भी सही आंसर्स निकालते हो, फिर कॉन्स में 50 में से 25 एंड वर्बल में 50 में से 25, तो आपको 200 में से कहीं 100 मार्क्स जो है वो ईजिली मिल सकता है। एंड फिर जो बचे हुए 100 क्वेश्चंस है इनमें अगर आप गैस भी करते हो एंड 100 में से कहीं अगर हम मतलब बहुत ही कम लेते हैं, अगर आपका लक बहुत ही बेकार है, सपोज 100 में से 20 क्वेश्चन के आंसर राइट निकलते तब भी आपका स्कोर 120 के अबोव जाएगा। एंड सपोज अगर आपका लक बहुत अच्छा है ना, आपने अच्छी मेथड्स का यूज़ किया, तो सपोज़ ये अगर 40 के आसपास भी जाता है तो आपका स्कोर 130-140 इजीली जो है वो जा सकता है, जिसमें आपको टॉप कॉलेजेस भी जो है वो मिल सकते हैं। तो अभी देखो गाइस, पहले 200 क्वेश्चन सॉल्व करना था, अभी देखो 150 मिनट है, जिसमें 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, 50 मिनट में फ्लूक्स मारो, तब भी आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा जो है वो जा सकता है। सेकेंड सिचुएशन ऐसे जिनकी ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हुई होगी एंड जिन्होंने टारगेट किया होगा कि यार दो सेक्शन तो मेरे बहुत अच्छे से हुए हैं बट दो जो सेक्शन है वो इतने अच्छे से नहीं हुए, तो यहाँ पे आप जो सेक्शन है उसे टारगेट करो कि इस सेक्शन के लिए आप सपोज करो कि 80 मिनट्स दे दो 75 क्वेश्चंस के लिए, सपोज इसमें से 60 क्वेश्चंस आपके राइट निकल जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में 50% निकाल लो, फिर कॉन्स में 50 में से 35 निकालते हो एंड वर्बल में 50 में से 25, तो ओवरऑल 130 प्लस आपका स्कोर यहाँ पे ही जाएगा। एंड जितने भी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन से उसमें आप फ्लूक्स मारते हो तो सपोज यहाँ पे 10-20 आंसर्स भी राइट निकल जाते हैं तो तब भी आपका स्कोर 140-150 के अबो जो है वो जा सकते हैं, जिसमें आपको टॉप कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। तो फ्लूक्स अगर आप सही से मारते हो तो भी गाइस आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा जाएगा, बट इसके पीछे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो आंसर्स है वो पहले कुछ राइट आना चाहिए, उसके बाद अगर आप गैस करते हो तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात करते गाइस सेफ स्कोर के बारे में, तो देखो गाइज अगर आपको टॉपर वाली लिस्ट में आना है तो अगर आप 150-160 प्लस स्कोर करते हो तो आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो 99 के अबो जो है वो इजीली जो है वो जाएगा। अगर आपकी टफ शिफ्ट होती है जिसमें ओवरऑल जो पेपर है वो टफ रहता है तो अगर आप 140-145 भी स्कोर करते हो तब भी 199 परसेंटाइल में आप जो है वो ईजिली चले जाओगे। फिर 120-140 प्लस स्कोर करते हो तो इसमें आपको अच्छे गुड कॉलेजेस जो है वो ज़रूर मिल जाएंगे। एंड अगर आप 100 प्लस स्कोर करते हो तब भी गाइज आपको अच्छे खासे जो एवरेज कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे। बट सपोज अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मतलब ऐसे ही जा रहा है एंड मतलब कुछ भी राइट आंसर नहीं किए, बस फ्लूक्स ही मारे, तो 200 में से 30-40 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो फिर अच्छे कॉलेजेस मिलना जो है वो इतना इजी नहीं रहेगा। देखो महाराष्ट्र में जो है वो 300 से भी ज़्यादा अच्छे अच्छे MBA मतलब 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, बट इसमें से जो अच्छे कॉलेजेस है वो बहुत कम है जहाँ पे एडमिशन मिलना डिफ़िकल्ट है। तो जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका टारगेट बस ये रखो कि 100 क्वेश्चंस आपको राइट निकालने हैं, बाकी गैस भी करोगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। इसके बाद जब रिजल्ट वगैरह लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं एंड कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, बट अभी तो यही याद रखो कि इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे में आंसर्स निकालना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा गाइस मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो डालता हूँ, तो वो भी वहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज़ है, मेरी टेस्ट सीरीज़, मैंने आपके लिए खुद बोल के बोला है कि 3 टेस्ट सीरीज़ का बनाओ, ताकि जिन स्टूडेंट्स मतलब पूरा वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं ले पाए वो ये लेके अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाए, तो ये ज़रूर आप ले सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हो, सारी लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।